आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है। इसकी शुरुआत 1972 से शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ, जो पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन है, उसकी एक मीटिंग हुई स्वीडन में। वहां पर पहली बार मानव पर्यावरण को लेकर एक चिंता का विषय बना कि, और किन लोगों ने करा, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा उसको खराब करा। जो आज विकसित देश है, जो आज डेवलप्ड कंट्री है, उन लोगों ने सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन फैलाया और उससे जो बीमारियां पैदा हुई, तो उस बीमारियों के ऊपर कि हमारे ह्यूमन बॉडी का, यानी कि मानव का कितना बड़ा लॉस हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बैठक बुलाई और उसमें तय करा कि भाई हमें कुछ चीज़ों को करना चाहिए, कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो तब से लेकर वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे हम लोग मनाते हैं, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। अब इसमें क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस पर हम क्या कर सकते हैं ये भी, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। अगर आप पौधा लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक पौधे लगाने से बहुत टन ऑक्सीजन इस वातावरण में पैदा होती है। लेकिन अगर पौधा नहीं लगा सकते, तो जो हम डेली रूटीन में कुछ गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधार सकते हैं। जैसे पर्यावरण के थ्रू, यानी कि इस ब्रह्मांड के थ्रू हमें कुछ चीजें निःशुल्क दी हैं, हालांकि हमने उस पर टैक्स लगाया है, हमने उसको कॉस्ट लगाई है, लेकिन प्रकृति ने तो हमें निःशुल्क ही दी है। तो उस निःशुल्क का जो आज हम टैक्स दे रहे हैं, उसकी भी हम रक्षा कर सकते हैं। आप लोगों को जानकारी हो कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर एक वक्त का पानी भी पीने के लिए नसीब नहीं है। लोग किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लेकर आते हैं, और हम यहाँ दिल्ली जैसे शहर में पानी की वेस्टेज करते हैं, बहुत वेस्टेज करते हैं, है ना। तो वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने घर परिवार में भी ये कोशिश करें कि पानी की वेस्टेज को कम से कम रखें, क्योंकि पीने वाला पानी तो बहुत कम हमारे पास रह गया है। ऐसे ही जब हम कूड़ा करकट फेंकते हैं या कूड़ा करकट फैलाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस जो सड़कें हैं यहाँ पर कूड़ा करकट ना फैलाएं। हम लोग चिप्स खाते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं बाहर फेंक देते हैं, कुछ भी खाते हैं रोड पर फेंक देते हैं, तो हम समझते हैं कि रोड हमारा क्या कूड़ादान है। रोड कूड़ादान नहीं है, हमें कूड़े को कूड़े की जगह पर ही रखना चाहिए, फेंकना चाहिए। मैं तो कोशिश यही करता हूँ, बाकी आप लोग भी कोशिश करें कि अपने जो कूड़ा आपका बचा है वो अपने पॉकेट में रखें, बैग में रखें, गाड़ी में रखें, जहाँ आपको लगता है वहाँ रखें, और जब वो उसकी जगह मिल जाए वहाँ उसको आप फेंक दें। तो कूड़े को, यानी कि हमें वातावरण को दूषित होने से हम बचा सकते हैं वहाँ पर, नहीं तो क्या होगा, बीमारियाँ पनपने के चांसेस हैं। दूसरा, हमारे को जो प्रकृति ने जो भी चीज़ें दी हैं, हम उनका सम्मान करें, हम उसका मिसयूज ना करें। अब इलेक्ट्रिसिटी है हमारे में, बिजली है, दिल्ली में अच्छी खासी बिजली है, लेकिन कुछ ऐसे भी शहर हैं, कुछ ऐसे भी गांव हैं, कुछ ऐसे भी कस्बे हैं जहां पर बिजली आती ही सुबह शाम में बस, है ना। दिन में तो बिजली रहती ही नहीं है गाँव में, सब लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वहां पर सुबह शाम ही बिजली है। तो वो बिजली कैसे पहुंचेगी, जब हम अपनी बिजली का बचत करेंगे। तो जितनी जरूरत है, जहां बैठे हैं वहां फैन चलाइए, आप बल्ब जलाइए, लेकिन जहां नहीं बैठे हैं वहां का बंद करके बैठिए। तो छोटे छोटे चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। पानी की बचत कर कर, बिजली की बचत करके, कूड़े का सही इस्तेमाल जगह पर फेंक कर, जहाँ उसकी जगह है वहाँ पर फेंक कर। और आजकल तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक नीला डिब्बा एक लाल डिब्बा अलग अलग रखती है कि भाई आपको गीला जो कचरा है इधर फेंकना है, सूखा वाला इधर फेंकना है, या जो रिसाइकल हो सकता है उसको इसमें डालना है, जो रिसाइकल नहीं हो सकता उसको ब्लैक में डालना है। तो इस तरीके से भी वो पूरा मैनेज कर रही है। लेकिन जब तक हमारी जिम्मेदारी, यानी कि हम अपनी भूमिका को अदा नहीं करेंगे, तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिसीज को तो हमें ही फॉलो करना ना। हाँ, आप पौधा लगा सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। आप किसी भी एक पौधे की ये देखभाल कर सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं। पेड़ पौधे गर्मियों में सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हम नए लगाने की बजाय, दिल्ली जैसे शहर में हम हर जगह नहीं लगा सकते हैं, है ना, हमें सोच समझ के लगाने की जरूरत पड़ती है, हर कोई परमिशन भी नहीं देता लगाने की। तो लेकिन जो लगे हुए हैं ऑलरेडी, उनकी देखभाल कर सकते हैं कि भाई मैं इस पौधे की देखभाल कर सकता हूँ। और हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, हम अपने अधिकार को तो समझते ही है कि भाई ये मेरा अधिकार है, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारियां भी होती हैं हमारे देश के प्रति है, हमारे समाज के प्रति है, उन जिम्मेदारियों को भी समझना है।
हमें उन जिम्मेदारियों को भी समझना है, और अगर हम ये सोच के रखेंगे कि ये मेरा घर ही साफ नहीं होना चाहिए, मेरा आस पड़ोस भी होना चाहिए, हम क्या करते हैं अपने घर को साफ रखने के चक्कर में पड़ोस के घर में गंदगी कर देते हैं। अपने घर को तो साफ कर लिया, कूड़ा कहाँ फेंक दिया, अपने घर के पीछे की दीवार में फेंक दिया, तो पड़ोसी का गंदा हो गया, है ना। अब वो क्या करता है, वो भी यही करता है, वो पड़ोसी के और बगल में फेंक देता है। तो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं कि भाई मेरा घर साफ रहे, मेरे पड़ोसी से मुझे मतलब नहीं है, तो आपका भी घर साफ रहे, आपके पड़ोसी का भी साफ रहे। जब पड़ोसी बीमार पड़ेगा तो वो आपको भी ले डूबेगा, वो आपको भी बीमार करेगा। तो मैं भी साफ रहूं, मेरा पड़ोसी भी साफ सुथरा रहे, मेरा समाज भी रहे, मेरी कॉलोनी भी रहे, मेरी गली भी रहे, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जितनी आप भूमिका अदा कर सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से ही हमारा स्वास्थ्य है, हमारा शरीर जो है वो पर्यावरण से ही है। अगर पर्यावरण दूषित होगा, हमारी चारों तरफ की जो हवा है वो दूषित होगी तो हमारे लंग्स खराब होंगे, हमारा पानी दूषित होगा तो हमारा सिस्टम सारा का सारा खराब हो जाएगा, हमारी सब्जियां खराब होंगी, हमारी दालें खराब होंगी, हमारा गेहूं खराब होगा, सब खराब होता चला जाएगा। आजकल कहते हैं ना कि दिल्ली में तो जितनी सब्जियां हैं सब पॉल्यूटेड है, अगर उसका एक सर्वे करा कि कितना टॉक्सिन है, तो इतना ज्यादा टॉक्सिन है कि आदमी बीमार होगा ही होगा। तो कहां से हो गया, वो हमारी वजह से हो गया, कि हमने जो जो काम करने थे। और दूसरा, सरकार भी अपना तरफ से काम करे। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम वेस्टेज को रोक सकते हैं, जिनको हम डिस्पोज कर सकते हैं ना, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए, खासतौर से प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होती है, कभी भी नहीं हो सकती है, यानी कि वो ख़त्म नहीं हो सकती है। आप प्लास्टिक को आज यहाँ गाड़ दो और 500 साल बाद भी प्लास्टिक आपको वहीं मिलेगी, तो प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। तो जब हम बाहर जाएं, बाजार जाएं, तो कोशिश करें कि प्लास्टिक के बैग्स का जरूरत ना पड़े, आप घर से लेके जाएं, कपड़े का बैग लेके जाएं, या जहां वो कपड़े का बैग हमें खरीदना भी पड़े तो खरीद लें। तो प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, पर्यावरण के लिए जितना आप अपना सहयोग दे सकते हैं पर्यावरण भी आपको सहयोग देगा और आपकी आने वाली जनरेशन को स्वास्थ्य देगा, हेल्थ देगा। नहीं तो हम यूज कर लेंगे, आज अमेरिका इसलिए बैठक कर रहा है कि उसने ज्यादातर संसाधनों का यूज कर लिया, अब उसे बीमारियां नजर आ रही हैं, तो वो हमारे जैसे देशों को जो डेवलपिंग स्टेज में है उनको मना करते हैं। तो वो कंडीशन हमारी ना बने कि हम अपने देश को पहले सुधार लें, फिर बाद में दूसरों को वो करें। तो हम खुद क्या कर सकते हैं, मेरी क्या नैतिक जिम्मेदारी, वो पड़ोसी क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसे करने दो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को कहाँ सुधार सकते हैं, बिजली बचाने में, पानी बचाने में, हवा शुद्ध करने में, पेड़ पौधों को बचाने में, कूड़ा करकट गलत जगह पर ना फेंकने में, जो हम कर सकते हैं हम करें, और हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, कहते ना, हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, तो समाज भी बदल जाएगा धीरे धीरे करके। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हम सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। हमारे संविधान में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारी नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में बताया है। अगर हम गूगल पर जाकर देखेंगे, सर्च करेंगे कि हमारे क्या है मॉरल ड्यूटीज क्या है, तो वो वहाँ पर लिखा हुआ है सर, सब कुछ मेंशन है। तो उनको पढ़ें, उनको जानें, और उससे रिलेटेड हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हमारी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा करें, है ना। ठीक है।